नेशनल स्टेडियम कराची से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डेविड वार्नर दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का लगातार दूसरे दिन भरपूर ट्रेनिंग सेशन जारी है। ऑस्ट्रेलिया एक इजाफी स्पिनर के साथ इस टेस्ट मैच में मैदान में उतरने जा रहा है और ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। बड़ा मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि आईसीसी ने पिंडी टेस्ट की विकेट को बिलो एवरेज कह के और साथ उसके ऊपर जो एक डीमेरिट पॉइंट दिया, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की इंतज़ामिया अब दूसरे टेस्ट मैच का विकेट अच्छे तरीके से बनाने के लिए काफ़ी पुरअज़म दिखाई दे रही है, क्योंकि पीसीबी को काफ़ी नुकसान हुआ है पहले टेस्ट की विकेट से। आईसीसी ने एक्शन भी लिया, उस्मान ख्वाजा और उसके बिहाइंड पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया कल से दूसरे टेस्ट मैच में कराची में मद्दे मुकाबले होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया टीम की प्रैक्टिस आप देख रहे हैं। स्टीव स्मिथ पहले टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेले थे और स्टीव स्मिथ ने अपनी विकेट नुमान अली को थ्रो की थी, बिहाइंड द स्टंप आउट हुए थे, बार बार एक रॉन्ग लेग पकड़ के गेंदें करवा रहे थे नुमान, जहां पर उन्होंने विकेट दिया था। मिचेल स्टार्क को कोई मदद नहीं मिली पहले टेस्ट मैच के अंदर, अलबत्ता मार्नस लबुशन ने बहुत अच्छी बैटिंग की पहले टेस्ट में और एक अच्छा मुकाबला होगा। सुनने में आ रहा है कि स्पिन विकेट बनाने की तजवीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिच क्रिएटर्स को दी है और स्पिन विकेट से पाकिस्तान अपने दो स्पिनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अटैक तो कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिंडी वाला जो विकेट था उसके अंदर कोई बाउंस नहीं था। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया कप्तान और उनके साथ मार्नस लबुशन टेस्ट के नंबर वन बैट्समैन। ये कराची के नेशनल स्टेडियम का मंजर है और दोनों टीमों के माबैन बड़े मुकाबले की तवक्को है और एक ऐसा मुकाबला जो कि क्रिकेट फैंस पहले टेस्ट मैच में भी चाह रहे थे कि इसी तरीके से एक फाइटिंग मुकाबला हो और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, लेकिन बदकिस्मती से विकेट अच्छा ना होने की वजह से पहले टेस्ट मैच के अंदर कोई ख़ास विकेट के अंदर ना बाउंस निकला ना जान निकली, ये स्टेडियम का मंजर है। सो कराची के विकेट का फ़ायदा पाकिस्तानी टीम उठाती है, ऑस्ट्रेलिया टीम उठाती है, ये तो फैसला कल होगा। बहरहाल एक ज़बरदस्त मुकाबले की तवक्को तो की जा रही है और फाइट भी होगी। ऑस्ट्रेलिया टीम इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बड़ा ज़बरदस्त है और वो स्पिनर के साथ भी अब मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान टीम के लिए सबसे जो बड़ी तजवीज़ तमाम क्रिकेट फैंस की तरफ से, तज्ज़िया निगारों की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से, साबिक क्रिकेटर्स और इवन चेयरमैन पीसीबी कि पाकिस्तानी टीम को घबराना नहीं चाहिए और डर से बाहर निकल के ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना चाहिए और स्पोर्टिंग विकेट जो है ना वो होना चाहिए ताकि दोनों टीमें जो हैं वहाँ पर मुकाबला कर सकें एक दूसरे के साथ। जो पहला विकेट था उसके अंदर भी मैच रेफरी ने लिखा है कि उसके अंदर कोई बाउंस और पेस नहीं आ सकी और 5 दिन गुजरने के बावजूद भी उस विकेट की हालत एक जैसी रही थी, जिसकी वजह से आईसीसी ने पिंडी स्टेडियम को डीमेरिट का एक पॉइंट दिया है और उसको 3 से 4 साल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। पिंडी स्टेडियम की विकेट अगर दोबारा अगले 5 साल में ऐसी ख़राब हुई फिर से तो एक साल की पाबंदी भी लग सकती है टेस्ट मैचेस की मेज़बानी से। सो अगर एक 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 स्टेडियम के अंदर अगर इस तरह से विकेट बनता है तो उसका नुकसान ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को होता है बल्कि गेम को भी होता है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया टीम तैयार है अगले टेस्ट मैच के लिए जो कल से शुरू हो रहा है।